डिग्री ऑफ कंसंट्रेशन के बारे में, ठीक है। डिग्री ऑफ कंसंट्रेशन हम समझ कर चुके हैं और कैंडिडेट हम लोग नेमिंग पे आएंगे, ठीक है। आप किस पे आएंगे, नेमिंग, ठीक है। और हेडिंग कर लें नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। Thank you.
ये कुछ प्रोसेस पड़े हो गए कई तरीके का, तो आप प्रोसेस थोड़ा हुआ है जैसे डी कंडेंसेशन हो गया, लोकोरेशन हो गया, ठीक है, तो डिस्प्लेशन हो गया, डिस्प्लेशन भी पढ़े हो ना, जानते हो नाम सुनोगे, उसी तरीके से एक प्रोसेस है ड्राई डिस्प्लेशन, ठीक है। तो ड्राई डिस्प्लेशन जब हम वेट बूट का करते हैं तो वो अपने को क्या मिलता है, गुड स्पिरिट मिलता है, ठीक है। ड्राई डिस्प्लेशन हो ठीक है। तीसरा जो है तुमको जो पढ़ना है CH3 CH2 वो एक इसको ग्रेन अल्कोहल भी कहा जाता है, ग्रेन अल्कोहल वाइन वगैरह में इस्तेमाल यही होता है। फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेन्स फॉर्मेंटेशन करते हैं, फ्लॉप में कुछ भी एनसी डबल कोएच आप तो जानते होंगे इसका फॉर्मिक एसिड, ठीक है, सीएसपी सी डबल कोएच सिक्स जो है वो सीएसपी सीएच टू सी डबल कोएच, ठीक है, सेवन सीएसपी कैमरे करने की कहा, देखो कहीं चेंज तो एक यहाँ आ जाएगा, ठीक है, एट ये हो गया, नाइन को उधर से इसका तुम्हारा नाम है एसिटिक एसिड, ठीक है, ये चार कार्बन है, ठीक है, इसको कहा जाता है ब्यूटेरिक एसिड, इसमें देखो कितने कार्बन हो गए तीन, ये CH2 का बोथ साइड का मतलब तो समझ में आ गया ना, यानी CH2 कितने यूनिट है, तीन यूनिट, तीन वो हो गया, एक कार्बन यहाँ चार और एक कार्बन सी डबल ओएच का टोटल क्या हो गया पांच, ठीक है, और इसका जो प्राइमरी एलिमेंट है वो है वैलेरिक एसिड, वैलेरिक एसिड, ठीक है, उसको कहते हैं कैप्रोइक एसिड, ठीक, अब ये कहाँ इसका सोर्स होता है, फॉर्मिक एसिड कहाँ पाया जाता है बताओ, फॉर्मिका, फॉर्मिका और इसका मतलब होता है रेड एंड, जानते हो ना, अब ये एसिटिक एसिड एसिटम, ठीक है, एसिटम कहने का मतलब क्या हो गया, विनेगर, ठीक है, विनेगर में कहाँ पाया जाएगा, और ब्यूटायरिक एसिड जो है फर्मेंटेशन ऑफ फूड फ्रॉम बटर, फर्मेंटेशन फ्रॉम बटर, ठीक है, बटर निकालने पर जो उस दिन और उसको रख दिया जाए तो भलका सड़ जाएगा ना, तब जो बनता है दैट इज कॉल्ड तुम्हारा ब्यूटायरिक एसिड होता है, ठीक है, वैलेरिक एसिड फ्रॉम वैलेरियन रूट, थोड़ा सा फटा है लेकिन याद ही रखना है इसको, हालांकि इस पोर्शन से थोड़ा कम क्वेश्चन आता है ना के बराबर, लेकिन फिर कैटोलिक एसिड कैटोस, ठीक है, रेडियो का है और स्टार्टिंग का हम चार मिला सकते हैं क्या, हाँ
फोर सिक्स सेवन मिनट आ सकते हैं क्या? सफिक्स
secondary, ठीक है, secondary suffix, या फिर इसको 1 degree भी कर सकते हैं और इसको 2 degree भी कर सकते हैं। बात समझ में आया? इस पैटर्न पे ही पूरा जो है वो हम लोग हमारी पीएचडी में अनुसार करने वाले हैं। बात समझ में आया? ये पैटर्न पूरा चलेगा। प्रीफिक्स जो है उसको भी हम लोग दो पार्ट में लिख सकते हैं, एक तो प्राइमरी प्रीफिक्स और दूसरा सेकेंडरी प्रीफिक्स। आप समझ गए? इसमें भी तुम्हारा दो पार्ट हो सकता है, एक प्राइमरी प्रीफिक्स और दूसरा सेकेंडरी प्रीफिक्स, ठीक है। तो यदि हम इसको भी, इस प्रीफिक्स को भी यदि हम दो पार्ट में बांट दें, ठीक है, इनको लिखते हैं हम लोग 1 degree प्रीफिक्स, ठीक है, और एक तुम्हारा क्या हो जाए 2 degree प्रीफिक्स, ठीक है, 1 degree प्रीफिक्स और 2 degree प्रीफिक्स लिखते भी चल रहा था, ठीक है, लिखते भी चल रहा है साहब। तो 2 degree प्रीफिक्स जो है वो क्या बताता है? फॉर साइड चेन या सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है, क्या बताता है? फॉर साइड चेन, ठीक है, या फिर सब्स्टिट्यूएंट्स को, ठीक है, साइड चेन जो होता है ना उस चीज को ये बताता है और सब्स्टिट्यूएंट को बताता है, ठीक है। वही 1 degree जैसे कि यहाँ पे आपको क्या लिखा हुआ रहेगा, सी एल बी आर, ठीक है, जैसे कि यदि ER रहेगा तो हम लोग क्या लिखते हैं इसका ब्रोमो, ठीक है, यदि CL रहेगा तो क्या लिखते हैं क्लोरो, ठीक है, यदि CH3 रहेगा तो क्या लिखते हैं मिथाइल, ठीक है, यदि C2H5 रहेगा तो क्या लिखते हैं मिथाइल, ठीक है, और यदि बेंजीन रिंग के साथ ऐसा आता है तो इसको क्या लिखेंगे फेनाइल, ठीक है, ये आपका हो गया 2 degree प्रीफिक्स, ये होता, ठीक है। 1 degree प्रीफिक्स यदि हम बात करें तो सो द मेन स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ कंपाउंड, ठीक है, तो सो द मेन स्ट्रक्चर, ठीक है, यूनिट ऑफ कंपाउंड कहने का मतलब है, इसका मतलब हो गया कि वो कैसा दिख रहा, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे हम कहें साइक्लो है, ठीक है, स्पाइरो है, बाईसाइक्लो है, आप समझ गए, वो इस चीज को बताता है, क्या बोलिए, साइक्लिक बोल दिए, अब इसमें साइक्लो हो गया, ठीक है, बाईसाइक्लो हो गया, स्पाइरो हो गया, इन सब के बारे में लिखा जाता है, मतलब ये शो किया जाता है। वर्ड रूट बेसिकली पैरेंट चेन को बताता है, ठीक है, वर्ड रूट आपको किसका बताएगा, टू शो द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन पैरेंट चेन, टू शो द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन पैरेंट चेन, यानी कि जो कार्बन एटम चेन को जो हम लोग मेन मानेंगे, नाम लिखते वक्त नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग वगैरह जानते हो ना, थोड़ा सा तो जानते होंगे, आइडिया होगा, जिसका हम नंबरिंग करते हैं लॉन्गेस्ट चेन या मेन चेन पैरेंट चेन वही होता है, ठीक है। तो उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना होता है वो इससे पता चलता है, वर्ड रूट से, ठीक है। अब जैसे कि पैरेंट चेन में तुम्हारा एग्जांपल के तौर पे भी हम बात करें, एक कार्बन एटम है, ठीक है, एग्जांपल 1C है तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं मेन, ठीक है, 2C है तो इसको क्या लिखते हैं एन, 3C है तो क्या लिखेंगे हम लोग, बोलो, हाँ, ठीक है, तो ठीक है, 4C है तो क्या लिखेंगे, 5C है तो क्या लिखेंगे, 6C है तो क्या लिखेंगे, 7C को क्या लिखेंगे, 8C को क्या लिखेंगे, 9C को नोन, ठीक है, 10C को टेन, ठीक है, टेन हो जाता है, और यदि हम बात करें 11C को अनटेकन, ठीक है, उसके बाद 12C को बात करें तो टोटल, ठीक है, इस तरीके से, हालांकि तुम्हारे सिलेबस में 10 तक है, बात समझ में आया, क्लियर कर लीजिए। ये आपका हो गया कि वर्ड रूट क्या शो करता है। अब प्राइमरी प्रीफिक्स, ठीक है, या 1 degree प्रीफिक्स से हम बात करें तो वो आपका शो करता है कि कार्बन कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड हैं, ठीक है, बॉन्डिंग बिटवीन कार्बन एटम, ठीक है, ये क्या बताएगा, बॉन्डिंग बिटवीन कार्बन कार्बन एटम,
funding between carbon atom in present carbon end. यानी कि कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड ये दिया जाएगा, तो क्या लिखेंगे हम लोग एन, ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे एन, और कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे दैट क्लियर। क्या ये हुआ सेकंड प्राइमरी सफिक्स, और सेकेंडरी सफिक्स जो है वो आपका मेन फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। एग्जांपल के तौर पे रिलास में से अगर ओएच लगा होगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, यदि क्या ना सी डबल बॉन्ड हो और ऐसा रहेगा तो ये क्या हो जाएगा कीटो, ठीक है, ये किस फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है कीटो, और लास्ट में क्या लगाते हैं ओएनई, वो बाद में हम लोग पढ़ लेंगे कि क्या लगाते हैं, या यू कहें तो यही बता देते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए आपको लास्ट में क्या लगेगा आई सी एसिड, ठीक है, आई सी एसिड लिखते हैं इसका, और कीटोन के लिए क्या लिखते हैं ओ एन ई, लिखते हैं ना ओ एन ई, ठीक है, और यदि आपका ओ एच रहेगा अल्कोहल के लिए क्या लिखते हैं ओ एल, लिखते हैं ना एस सी एच ओ एल्डिहाइड के लिए क्या लिखते हैं एल, ठीक है, तो ये आपका बताता है रिप्रेजेंट करता है किसी को सेकेंडरी सफिक्स। Include maximum number of carbon atoms
में ज्यादा से ज्यादा साइड चेन भी हो और ज्यादा से ज्यादा कार्बन एटम लंबा मिले वो वाला हम लोग लेंगे, ठीक है। और तीसरा सी जो है, यदि कार्बन चेन विद लोएस्ट लोकेट नंबर की साइड चेन, अब ये लोएस्ट लोकेट क्या है वो आगे हम बताएंगे, ठीक है, लोएस्ट लोकेट किसके बारे में कहा है। और तीसरा चीज सिलेक्शन पैरेंट कार्बन चेन का करते हो तो ये ध्यान रखना है लोएस्ट लोकेट, ठीक है, कार्बन चेन, कार्बन चेन, ठीक है, विद लोएस्ट लोकेट, विद लोएस्ट लोकेट नंबर, ठीक है, टू द साइड चेन। तो सिलेक्शन ऑफ पैरेंट कार्बन चेन जो है इन तीन नियम को ध्यान में रखकर के आपको करना बात समझ में आया, जिसमें स्टार्टिंग में हम लोग दो पे ध्यान देने वाले, तीसरा वाला भी बताया गया कि लोएस्ट लोकेट होता क्या, ये दोनों चीज से तो आपको पहले से जानकारी होगा कि किसको कार्बन चेन लेते हैं जिसमें लंबा कार्बन चेन हो, जिधर से भी जाए लेकिन लंबा हो, और दूसरा है जिसमें ब्रांचेस ज्यादा मिले, ठीक है, ब्रांचेस ज्यादा, और लोएस्ट लोकेट मतलब कि ब्रांचेस इसमें पहले मिले, सिंपल समझ में आया। एक क्या बोले, एक तो लंबा लेना है कार्बन चेन जिसमें ज्यादा मिले, उसके बाद क्या बोले जिधर से ज्यादा ब्रांच नजर आया वो लेंगे, ठीक है, और जिधर से ब्रांच पहले मिले दैट इज कॉल्ड लोएस्ट लोकेट रूल। अब ये लिखा है किसमें, अपने लैंग्वेज में, मैं आप लोगों को समझा दिया आम भाषा में बोल चल रहा हूं, जितना पहले मिले दैट इज लोएस्ट लोकेट, वो हम प्रूफ भी करेंगे आगे, ठीक है। तो आप देखते हैं जैसे कि ये अपना ये रहेगा, ठीक है, कौन सा SCH4, तो इसके लिए हम लोग नाम क्या लिखेंगे बताओ, मीथेन होगा ना, यदि यही चीज हो जाए CH3, और ये CH3 नाम क्या हो जाएगा, मीथेन होगा, ठीक है। ये तीसरा यदि हम बात करें इसमें यदि हम ले लें CH3 CH2 और ये CH3 नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन। बात समझ आया क्या आपको बोलना चाह रहे हैं, ठीक है, उसी प्रकार से इसका नाम क्या होगा, कितने कार्बन है, पांच, ऐसा नहीं कि प्रोपेन के बाद युद्ध नहीं होगा, पेंटेन, ठीक है, पेंटेन क्लियर है क्या हम बताना चाह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यदि हम और आगे ले लें इसका नाम क्या होगा, हेक्सेन, ठीक है, बात समझ आया। लेकिन अब यदि हम ले लें इस तरीके से ध्यान से एक एक एग्जाम्पल देखना, उनको एक भी ऐसा एग्जाम्पल नहीं मिलेगा और हर एक एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट हो, क्योंकि हम रिपीट बहुत कम करेंगे, जो भी लेंगे नया लेंगे, आप प्रैक्टिस भी करवाने के लिए सबसे क्वांटिटी में तुमको हम एग्जाम्पल लेंगे, बात समझ में आया, वो भी ध्यान रखें। अब जैसे कि तुम्हारे सामने हम ये पहले लिख रहे हैं ये वाला CH3, ठीक है, CH2 और ये CH3 और ये तुम्हारा CH2, ठीक है, और नीचे में आ जाएगा CH3। तो बताओ किधर से हम लोग जो है वो लेंगे लॉन्गेस्ट चेन, दो तीन चार पांच छह सात कैप्टन, ठीक है,
सकता है कार्बन का, ठीक है, मतलब अभी हम बता रहे हैं। और दूसरा कौन सा हो सकता है, दूसरा ये हो, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट चेन कौन सा है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा है, रेड वाला, इसमें कितना, चार कार्बन, और इसमें कितने आ रहे हैं, 406 कार्बन, यानी कि अपना सही कौन होगा, रेड वाला। समझ जा रहा है, एकदम लिखते चल रहा है साहब, ठीक है। अब ये ब्लू वाला जो है रॉन्ग होगा, कट कर देंगे। अगला एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं, इधर दिखा देना। Thank you.
इसमें हम क्या बोले, एक तो ये वाला हो जाता और एक कौन सा होता इसी में, और एक कौन सा होता मतलब जो भी जो भी जो भी हो सकता है, ठीक है। दूसरा तुम्हारा हम कौन सा ले सकते हैं, एक ये वाला ले सकते हैं, ठीक है, ये वाला। इसमें कितने टर्म आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 सी आ रहा है, इसमें खुद में ना रेड कितना आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये भी 9 है, 9 सी है। और ब्लू वाला भी कितना है तुम्हारा, 9 है ना, 9 सी, ठीक है। और इस वाले को लेते हैं तो कितना आता, 1 2 3 4 5 6 7 8 तो ये तो हो गए, ठीक है। अब दोनों वाले में बताओ फिर किसका होगा, ठीक है बताओ। ऊपर वाला नाइन एट नाइन ही है, एट के बाद फिर से कहाँ गया वो, नाइन एट दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ चार एक वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, तो दोनों नाइन से ही जा रहा है। इसमें आप जो है एक लोग यहाँ पे काम करते हैं, चलो ये तुम्हारा कर देते हैं CH2, ठीक है, CH3, और ये तुम्हारा कौन सा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ठीक है। तो फिर कौन सा हम लोग ले लेंगे यहाँ पे, मेन चीज पेरेंट चीज कौन सा लेंगे, नाइन, ठीक है, ये हो जाएगा। उसी प्रकार से इसमें आप इसमें कौन कौन सा ले सकते हैं, ये लेंगे ले सकते हैं, ठीक है, एक कौन सा ले सकते हैं, ये वाला नीचे वाला ले सकते हैं, ठीक है, नीचे वाला ले सकते हैं, सही है ना। चलो अब बताओ इसमें जब तक आराम किसमें आ रहा है, 1 1 2 3 4 5 6 7, इसमें ब्लू में आ रहा 7 सी, ठीक है, और इसमें कितना आ रहा, रेड में 6 सी आ रहा है ना, इसमें केवल आ रहा है 6 सी, तो हम लोग का आंसर कौन सा हो जाएगा, 7 सी, ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इस वाले में हम लोग कैसे करेंगे, एक तो आ जाएगा आपका ये वाला ना, ये वाला ले सकते हैं, ठीक है, और कौन सा ले सकते हैं, ये ऊपर जा सकते हैं, ठीक है, एक कौन सा ले सकते हैं, ऊपर ब्लैक वाले से कर सकते हैं, ठीक है, एक ऊपर जा सकते हैं, ठीक, और एक कौन सा ले सकते हैं, नीचे की तरफ, ठीक है, नीचे की तरफ कौन सा ले, ये वाला ले सकते हैं क्या, ये कितना क्या बोल जा रहा तुम्हारा, बोलो 7 से जा रहा है, किसमें 7 से जा रहा तुम्हारा, सब केस में 7 से, सब तरफ से 7 से है ना, ठीक है, अब हाँ तो अब 7 से सब में बराबर हो गया, अब ये वाला दूसरा ले, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम एज वेल एज मोर साइड चेन, तो किसमें साइड चेन ज्यादा किसमें आ रहा है, साइड चेन ज्यादा किसमें आ रहा है, ब्लैक वाले में, देख लो जरा इस साइड चेन देखो, ब्लैक वाले में हम जा रहे हैं ना, ऐसे जा रहे हैं, ठीक है, तो इसमें एक ये साइड चेन हो गया, ये तुम्हारा क्या है, एक ये साइड चेन हो गया, और एक कौन तुम्हारा साइड चेन हो गया, ये वाला साइड चेन कितना हुआ, दो, ठीक है। इस वाला में यदि हम जाते हैं, ये वाला सीधा पकड़ते हैं, एक साइड चेन ये और एक साइड चेन ये वाला हो जाएगा, बात समझ आया क्या बोल रहे हैं, लेकिन इस साइड चेन में भी एक साइड चेन, क्या बोला कि कार्बन एटम तो मैक्सिमम होना चाहिए, कार्बन एटम यदि तुम्हारा मैक्सिमम होने के साथ साथ कितने साइड चेन जाता है, ब्रांचेस कितने जाता है, जितना ज्यादा ब्रांचेस होगा उतना, लेकिन तो देखो किसका सबसे ज्यादा ब्रांचेस है तुम्हारा, बताओ सबसे ज्यादा ब्रांचेस तुम्हारा कितना, किसका ना ज्यादा वाला, रेड वाले का ना, हाँ देख लो जरा। अब इसमें कार्बन एटम तो सेम है ना, 1 2 3 4 5 6 7, इसका 1 2 3 4 5 6 7 7 7, तो ब्रांचेस तुम देख लो कौन सा हो जा रहा तुम्हारा, पक्का देख लो, इसका बताओ
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ये कितना है? 9 सी. और ये कितना है? 8, 3, 7 है. 3, 4, 7 है ना जी. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. इसका आंसर आपका कौन सा लगेगा? 9 सी वाला. ठीक है, इसमें आंसर कौन सा जाएगा? 9 सी वाला. और इसमें आपका कौन सा जाएगा? ब्लैक वाला. ठीक है, और ब्लैक वाले में यदि हम जा रहे हैं ना, एक सेकंड रुक जाओ, इसमें कितना ब्रांच जा रहा है? ये ऐसे सॉरी, ये वाला ब्लैक है ना, एक ये दो और दो, ठीक है, और ये आ जाएगा एक ये तीन. तीन आया, ये वाला तो छूट रहा था ना यहाँ पे, ये भी तो ब्रांच ही हो गया ना. जब मैं उस समय तो ब्रांच भी हो जाएगा. ठीक है, बासर कौन हो जाएगा आपका? ये वाला क्लियर है? नहीं, ये वाला. ठीक है, ये वाला यदि हम जाएंगे ऐसे करके ऊपर की तरफ जाएंगे तो, ठीक है, ब्लैक वाला टिक किए हैं. ब्लैक वाला देख लो, एक ये हो जाएगा ब्रांच उसका, एक ये ब्रांच हो जाएगा, और एक कौन सा ब्रांच हो जाएगा? ये तीन ब्रांचेज इसके भी हैं. ठीक है, अब इसके ये तो क्लियर हो गया. आगे देखते हैं एग्जांपल. सर वो ब्लू में भी पीछे ना दिखे, और एक भी ब्लू में भी ब्लू, हां उसमें भी सर पीछे ना दिखे. कितने ब्रांच है ये? वो तो कौन सा सर ये देखिए, एक ये भी लेगा और एक ये भी लेगा. देखो बोलते हैं, अगर हमने ऊपर से ये ऊपर से ऐसा सी थ्री और ये वाला ऐसा, यस अच्छा बोलते हैं. तो उसमें कितने आ रहे हैं? तीन आ रहे हैं. हाँ ठीक है, वो कॉमन हो जाएगा. उसमें भी दो इथाइल मिलेगी और एक इथाइल, तो वो कॉमन है. सेम कॉमन हम ये ले या बोले दोनों कॉमन होगा. पूछो क्यों? क्योंकि यदि हम ऊपर से ऐसा ये वाला लेते हैं सिटिंग चेयर वाला, ठीक है, तो ये अपना एक ब्रांच होगा, दैट इज इथाइल, है ना इथाइल. और ये ब्रांच होगा, दैट इज इथाइल. और ये ब्रांच होगा, दैट इज मिथाइल. अब हम ये वाला जो ले रहे हैं इसमें भी सेम चीज, ये इथाइल, ये इथाइल और ये इथाइल. बस समझ आया? अभी अपना काम है केवल लॉन्गेस्ट चेन को खोजना, नंबरिंग नहीं. नंबरिंग किधर से होगा वो बाद में बात करेंगे, तब हम वो देखेंगे कि पहले किसको लेंगे, इस साइड वाला या इस साइड वाला, वो बाहर. अभी लॉन्गेस्ट केवल लेना है, लॉन्गेस्ट चेन पैरेंट. बात समझ में आई है आपको? सर एक और देख लेते हैं. नंबरिंग
हम उधर से ही करेंगे, इधर से तुम्हारा क्या हो बोलो, नंबर ऑफ पैरेंट चेन, ठीक है, यानी कि लोएस्ट लोकेट मिले, यानी कि पहले लंबा, ठीक है। अब समझो जरा सा, जैसे कि एग्जांपल हम दे रहे हैं, जैसे कि एग्जांपल दे रहा है ये CH3, ठीक है, CH2 CH, और ये आ जा रहा है CH3, ठीक है, CH2 CH2 और ये CH3, लोएस्ट लोकेट रूल जो समझा रहे थे वो समझो जरा सा, नंबरिंग उधर से कम, नंबरिंग हम लोग किधर किधर से कर सकते हैं, जरा सा देखो, ये हो जाएगा तुम्हारा 1 2 3 4 5 6, ये तो फिक्स है ना, यही लॉन्गेस्ट चेन, ये तो समझ में आ गया। लॉन्गेस्ट चेन कौन सा होगा, सीधा वाला, अब नंबरिंग इधर से करेंगे नहीं उधर से, अच्छा दूसरा काम करने का तरीका 1 2 3 4 5 6, अच्छा बताओ लोएस्ट का मतलब क्या होता है काम, ठीक है, और जो ब्रांच जो मेरा नजर आ रहा है ये वाला जो है वो एक तरफ से ब्लू वाला से यदि हम देखें तो कितने पे आ रहा, बहुत प्यारा, ठीक है, और यदि हम यदि 3 वाला पे यदि हम देखें, सॉरी रेड से देखें तो कितने पे आ रहा है, तो आंसर कौन सा होगा 3 वाला, समझ में आया, यानी चौथा जो कहें ना जो नजदीक आएगा वहीं से करेंगे, समझ में आया, जो नजदीक रहेगा उसी से करेंगे, उतना जो कर रहा है लैंग्वेज थोड़ा सा उसमें ध्यान ध्यान क्या, जो नजदीक आ रहा है उधर से करेंगे, सिंपल बात समझ में आया, मैक्सिमम ब्रांचेस के साथ जो पहले आएगा आपने को नंबरिंग उधर से करना, सिंपल आम बात, ठीक है। अब इसका नाम क्या हो जाएगा बताओ, इधर से जाएंगे मिथाइल किस पे है, 3 मिथाइल, कितना कार्बन है, समझ में आया, क्या बोल रहे हम, अब इसमें तुम्हारा ये 3 मिथाइल वाला जो पार्ट है वो क्या है, प्रीफिक्स, और कैसा प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स है ना, याद आ रहा है, और ये हेक्स किस चीज को बता रहा है, वॉल्ट रूट, और ये किसको बता रहा है, 1 डिग्री सफिक्स को, है ना, आ रहा समझ में बात, देखो किसी तरह नंबरिंग यदि तुम करो, ठीक है, ठीक है, किसी तरह यदि तुम नंबरिंग करो, आ रहा है 4 2 2, ठीक है, 4 2 2, और एक 4 2 4, और एक यहाँ का 4 1 4, ठीक है, ये आ रहा है तुम्हारा, एक में आ रहा है तुम्हारा 3 9 7, एक में आ रहा है तुम्हारा 4 2 1, ठीक है, एक में आ रहा है तुम्हारा 5 9 8, और एक में आ रहा है तुम्हारा 3 9 5 9 7, ठीक है, तो बताइए यदि हम पहला लोएस्ट लोकेट कैसा आ रहा, एक तरफ 5 4 3 यानी ब्रांच, इसका ब्रांच किस पे था, फोर, एक तरफ से 4 पे, एक तरफ से 3 पे, तो एक से ज्यादा ब्रांच हो सकता है, तो एक ब्रांच आ रहा है इसका 4 पे, 2 पे, 4 पे, राइट, इसका दूसरे साइड से करने पे आ रहा है 4 पे 1 पे 4, तो पहले किसको मतलब करेक्ट कौन सा होगा लोएस्ट लोकेट के अनुसार, कौन सा होगा सेकंड, लोएस्ट लेना है, 4 4 कॉमन हो गया, इसका 2 है इसका 1, व्हिच वन इज करेक्ट, सेकंड, समझ आएगा, इसका हम काउंट कर रहे हैं तो ब्रांच आ रहा है तीसरा पे 9वां पे 7वां पे, और दूसरी तरफ से काउंट कर रहे हैं आ रहा है 4 पे दूसरे पे पहला, व्हिच वन इज करेक्ट, 2 2
समझ में आया? अधिष्ठान क्या होगा? सेकेंडरी।
ठीक है, या फिर इसको लिखा जाता है एस ड्यू साइड। समझ गए आप? अभी और क्लियर हो गए, एग्जांपल देंगे ना और क्लियर। थोड़ा सा रूप का मेरा ध्यान रखो, मैंने बहुत इंटरेस्टिंग सबसे अच्छा आसान यही है, ठीक है। अब इसी में आ जाओ C4H10 के लिए। C4H10 तो हो गया ना तुम्हारा, अच्छा C4H10 में भी अब जरा सा रुकना यहाँ। ये कौन सा है? C4H10। अब C4H10 में एक स्ट्रक्चर ये, समझ में आया? अल्केन है ना, अल्केन का एक स्ट्रक्चर ये, और एक क्या स्ट्रक्चर होगा बताओ? ये होगा क्या? और इसका नाम क्या था? आइसो ब्यूटेन। समझ में आया? क्लियर है सबका पॉइंट? इसका नाम क्या होगा? आइसो ब्यूटेन। अब देखना जरा सा यहाँ, अब देखो ये कौन सा डिग्री हाइड्रोजन कार्बन है? वन, ये वन, ये वन, और ये थ्री। असिमेट्रिकल है क्या? क्या तीनों में से कहीं से निकालो बात बराबर है ना? ऐसा है क्या कि किसी एक में से निकालेंगे तो कुछ और स्ट्रक्चर नजर आएगा? तीनों बराबर है ना, इस हाइड्रोजन से निकालो फिर भी एक दूसरा पार्ट नजर आएगा, इससे निकालो कॉमन, इससे निकालो कॉमन, ठीक है। लेकिन 3 डिग्री से तो अलग बनेगा। अब यहां से फिर से ये चला जाएगा दो पार्ट, ठीक है। एक आपका क्या हो जाएगा? -1 डिग्री हाइड्रोजन, और एक आपका क्या हो जाएगा? -3 डिग्री, 3 डिग्री हाइड्रोजन। अब 1 डिग्री हाइड्रोजन से निकालते हैं तो फिर मेरा स्ट्रक्चर क्या बनेगा? CH3, ठीक है। और ये क्या आ जाएगा? CH2 डैश। बताओ अब क्या नाम होगा? आइसो। क्या होगा? आइसो ब्यूटाइल। समझ में आया? क्लियर है तो बताओ, ये समझ में आया क्यों हुआ सेकेंडरी ब्यूटाइल? इसको आइसो बोलते हैं, इसको फिर क्या बोलते हैं, ठीक है। तो इसका नाम क्या आ जाएगा तुम्हारा? आइसो ब्यूटाइल, ठीक। अब यहां से निकालो जो 3 डिग्री से, इसको देखो CH3 या इसको ऐसे भी थोड़ा लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं? CH3CH, तो नाम क्या होगा? नियो। कैसे? नियो में नियो स्टार्ट्स फ्रॉम 5 कार्बन। सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखो, इतना नियो स्टार्ट ही होगा 5 कार्बन से। कितने कार्बन है यहाँ? हाइड्रोजन 30 कार्बन से निकला है, 3 डिग्री, देन इट इज कॉल्ड टर्शियरी ब्यूटाइल, ठीक है। ये हुआ थर्ड ब्यूटाइल, और इसको मान ले सकते हैं टी ब्यूटाइल। वो तो क्या ना जब वो क्या बोल दिया, क्लियर है? साइड चेन का हम इस्तेमाल करेंगे आगे, अभी पता नहीं तुमको। अब ये बात भी ध्यान रखना, ठीक है। फॉर फंक्शनल फ्रॉम फॉर विच
वैसे भी फंक्शनल ग्रुप हैं जो कि लास्ट में नहीं लिखे जाते हैं, वो हमेशा प्रीफिक्स में लिखे जाते हैं, नाम लिखते हो समझ आएगा, कुछ ही फंक्शनल ग्रुप है वो हम नाम बता रहे हैं और उसका प्रीफिक्स क्या लिखेंगे वो भी बता रहे हैं, ठीक है। तो जैसे भी ये हो जाएगा आपका फंक्शनल ग्रुप और ये हो जाएगा आपका प्रीफिक्सेस, प्रीफिक्सेस का क्या मतलब है, तो जैसे कि आपका आ जाएगा पहला में NO2 और इसका क्या लिखते हैं नाइट्रो, प्रीफिक्स लिखते हैं नाइट्रो, ठीक है। दूसरा आपका हो जाएगा डैश NO2, ठीक है, आ इसको हम क्या बोलते हैं नाइट्रोसो। तीसरे तीसरा आपका क्या हो जाता है एक्स, इसको हम क्या बोलते हैं हेलो हेलोजन, ठीक है। तो कहने का मतलब यदि एक्स फ्लोरीन रहेगा तो फ्लोरो, ब्रोमीन रहेगा तो ब्रोमो, क्लोरीन रहेगा तो क्लोरो, आयोडीन रहेगा तो आयोडो, इज दैट क्लियर, ठीक है। और एक तुम्हारा हो जाता है ओआर, फोर्थ नंबर ओआर डैश ओआर, मतलब क्या है क्या था, अरे डैश ओआर ईथर, ठीक है। तो डैश ओआर हम लिख देते हैं, ठीक है, और ये क्या तुम्हारा ईथर, ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। और इसको लिखते हैं प्रीफिक्स एल्कोक्सी, मीथेन है तो मीथॉक्सी, इथेन है तो इथॉक्सी, समझ आया, ऐसे लिखते हैं सब प्रीफिक्स, सब बताएंगे एग्जांपल से, ठीक है। उसके बाद लास्ट में आता है आपका पांचवा ये वाला, क्या कौन कौन है ये सीपॉक्सी, ठीक है, बात समझ में आया। इन सबको ट्रीट करेंगे एज अ सब्स्टिट्यूट की तरह, प्रीफिक्स में लिखते हैं, ठीक है। नाम कैसे लिखेंगे, प्रीफिक्स, ये सफिक्स में कभी नहीं जाएगा, ठीक है। अब जैसे कि एग्जांपल में तुम्हारा प्रीफिक्स लिखना है ना, अब खास बात ब्रोमो है और सीएल है क्लोरो, तो ध्यान रखना प्रीफिक्स हमें
हमेशा अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखा जाता है, प्रीफिक्स आर रिटेन इन अल्फाबेटिकली ऑर्डर। क्या क्या बोले हम यहाँ पे, प्रीफिक्स इज रिटेन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। समझ गया आप? अब बताओ पहले क्लोरो की पहले प्रोमो, और ये तो समझ में आ रहा पहले बी आता कि पहले सी, अब नहीं आता तो फिर कृपया जूनियर नर्सरी ना, हां तो भी है जूनियर टीचर नाम एडिशन लिखा, इसका नाम क्या होगा बताओ? पहले कौन अभी कोई क्लोरो बोला था कि देखो तो ये नाम प्रोमो कितने पे आ रहा है, 1 ठीक है, और किस पे आ रहा है, 2। समझ आया? पहले पे भी आ रहा है दूसरे पे भी। अच्छा कितना है प्रोमो? 2 दो है, तो उसके लिए लिखेंगे डाई, ठीक है, और क्या लिखेंगे, डाई ब्रोमो, 1.2 डाई ब्रोमो। समझ में आ रहा है? ठीक, आप बताओ क्लोरो कितना पे है, डैश 2, ठीक है, डैश क्लोरो, और कितना कार्बन, 2, तो नाम क्या हो जाएगा, ठीक है। अब कितना दूसरा क्या बता रहा है, यहां से लेकर के यहां तक क्या बता रहा है, बोलो प्रीफिक्स, ठीक है, ये तुम्हारा क्या बता रहा है, वाटर, और ये तुम्हारा क्या बता रहा है, बोलो प्राइमरी सब है ना, क्लियर है, समझ गया ना आप सब? एग्जांपल जैसे जैसे बनाते जाओगे ना क्लियर हो जाएगा। हाँ, अब ये भी ध्यान में रखना कि डाइट्राइजोल लिख रहा है ना, जैसे दो ब्रोम मिला तो डाई, ये नाम से पहले डाई डाई ब्रोम, तीन मिलता तो क्या लिखते हैं ट्राई, चार मिलता तो क्या लिखते हैं टेट्रा, तो डाई का टी ट्राई का टी, ठीक है, टेट्रा का टी, ठीक है, या पेंटा का पी, वो वाला हम लोग अल्फाबेटिकल में शामिल हो जाए, समझा, ठीक है, तो लिख लेना है यहाँ पे कि फॉर टू और मोर सिमिलर साइड चेन ठीक है, फॉर टू और मोर सिमिलर साइड चेन वी यूज प्रीफिक्स प्री प्रीफिक्सेस। समझ में आया? प्री प्रीफिक्स मतलब प्रीफिक्स तो है वो सभी पहले डाई ट्राई इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है, टू शो देयर मल्टीप्लिसिटी, ओवर करंट चेन, ठीक है। अब क्या इस्तेमाल करते हैं भाई, टू सिमिलर साइड चेन यदि रखता है तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं वो डाई, थ्री सिमिलर यदि साइड चेन है तो क्या लिखेंगे, डाई, फोर सिमिलर साइड चेन है तो क्या लिखेंगे, टेट्रा, चार पांच के लिए क्या लिखेंगे, ठीक है, सिक्स के लिए क्या लिखेंगे, हेक्सा, ठीक है, सेवन के लिए क्या लिखेंगे, हेप्टा, ठीक है, क्लियर है ना बात समझ में आ रहा है। और ये वाला कभी भी अल्फाबेटिकल में हम लोग यूज नहीं करेंगे, नॉट काउंट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर,
ये हो जाएगा वन और ये हो जाएगा टू, पहले दो हो या पहले दो दो क्या लिखेंगे, वन कॉमा वन लिखेंगे ना, वन कॉमा वन। अच्छा हमारे के बाद दो नंबर को सेपरेट करने के लिए कॉमा, ठीक है, दो नंबर को सेपरेट करने के लिए कॉमा और अल्फाबेट को और नंबर को सेपरेट, अल्फाबेट और नंबर सारा साथ में तो उसको डैश, और दो अल्फाबेट आ गया उसको भी डैश, ठीक है। हालांकि कुछ नहीं लेता है तो ध्यान रखना, लिखते हैं ना लिखेंगे तो तुम अब यहाँ आएंगे डैश, ठीक है। क्या नाम है इसका, टाइम रोमो, टाइम रोमो, और उसके बाद क्या लिखेंगे डैश, कितना पे दूसरे पे डैश क्या तो, और क्या जाएगा इंटेंट, क्लियर है। अब इससे बताओ पॉलिसी कौन होगा, यही होगा ना। चलो नंबरिंग बताओ, इधर से करो या इधर से सेम पढ़ रहा है, जब आप इधर से करते थे 1 2 3 4 5 6 7, ये देखो ये ग्रुप है और ये ग्रुप है, इसका नाम क्या है बोल दो बाबा, इसका नाम क्या है, अरे दो कार्बन फाइन, और इसका मिथाइल, पहले बताओ मिथाइल लिखते हैं या मिथाइल, क्लियर है ना, मिथाइल का ही पहले आता है, क्या लिखेंगे, ठीक है। अरे बाबा कितना लिखेंगे, क्या फोर मिथाइल ना, लिखेंगे फोर मिथाइल, ठीक है, उसके बाद डैश फाइव, सॉरी टू सही है ना, फोर मिथाइल, और उसके बाद क्या हो जाएगा हेप्टेन, ठीक है। अब ये बताओ होमोसिस का कौन सा होगा, नहीं होगा, ठीक है, और 1 2 3, और 2 पे क्या पड़ रहा, 2 ब्रांच, नाम क्या हो जाएगा 2.2 95 प्रोटीन, ठीक है। अब इसका बताओ, ये बताओ हो जाएगा तुम्हारा होगा, अब नंबरिंग की तरह से ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2, और एक और 2 क्या सफिक है, पर्सनल ग्रुप है ना, लेकिन उसका क्या लिखते हैं प्रीफिक्स, और प्रीफिक्स में क्या लिखते हैं नाइट्रो, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, हाँ, अब चूंकि दो ही कार्बन है, अब इधर भी लिखोगे तो वन ही होगा, उधर भी लिखोगे तो वन ही होगा, तो वहां नंबरिंग देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो नाम इसका हम लोग लिख सकते हैं नाइट्रो इथेन। अब इसका बताओ नंबरिंग क्या हो जाएगा तुम्हारा, 1 2 होगा ना, अब नाम क्या लिखेंगे, 1 ब्रोमो कॉमा सॉरी डैश 1 क्लोरो, ठीक है, और उसके बाद फिर क्या लिखेंगे इथेन, ठीक है। अब इससे बताओ लॉन्गेस्ट कौन सा होगा, ये होगा, होगा ना। आप देखो नंबरिंग किधर से, दोनों साइड से सेम आएगा, 1 2 3 है ना, 4 5 उधर से भी करोगे सेम आएगा, ये देखो 1 2 3 4 5, और तीसरे पे दो मिथाइल ग्रुप, तो क्या लिखेंगे 3.3 डाइमिथाइल, और क्या हो जा रहा है पेंटेन, ठीक है। अब इसके लिए देखो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा लॉन्गेस्ट नंबरिंग की तरफ से, नंबरिंग की तरफ से यहां से देखना आपके यहां चक्का है, क्योंकि दोनों तरफ सेम पल सब सेम ये नहीं लगा हुआ साइड चेन, अलग अलग है, देख लो, ठीक है। अब यहां पे एक आता है प्रीफिक्स रूल, ठीक है, आसान है, बस सुन करके लग रहा अच्छा कितना रूल पे रूल है, हाँ भाषा में हम समझा देंगे क्या, ठीक है। तो प्रीफिक्स रूल यही बोलता है कि दोनों तरफ से सेम आ रहा है नंबरिंग, इधर से यदि हम ले रहे 1 2 3 4 और इधर से यदि हम ले रहे तो क्या रहा 1 2 3 4, तो प्रीफिक्स रूल यही बोलता है। प्रीफिक्स में हम लोग क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स लिखते हैं, और प्रीफिक्स लिखते हैं अल्फाबेटिकली, तो कौन सा प्रीफिक्स अल्फाबेटिकली पहले आ रहा है, समझ में आएगा, तो नंबरिंग हम लोग किसका करेक्ट मानेंगे, टू वाला, ठीक है। अब लिखो तुम क्या लिखोगे, 2 क्लोरो, ठीक है, डैश 3 मिथाइल, और क्या हो जाएगा ब्यूटेन, इज दैट क्लियर। अब इसमें बताओ इसमें नंबरिंग किधर से, क्लोरो या ब्रोमो, समझ में आया, दोनों तरफ सेकंड कार्बन पे क्या है ब्रांच है, सब्स्टिट्यूएंट है, इस पहले किसको देंगे
प्रीफिक्स फुल लगाएंगे, ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा 1 2 3 4। अब क्या लिखेंगे, 2 ब्रोमो डैश 3 क्लोरो, और ये क्या छापो जल्दी। अब लिखो प्रीफिक्स रूल, ठीक है। फिर और एक काम करना, तुम्हारा क्लास कितने बजे है मेरा? 12 बजे से ना, 12 बजे से है ना, 12 बजे से 10 मिनट भी पहले कोई आता है क्या? आते हो ना, सारा क्वेश्चन बोर्ड पे लिख के रखना ताकि हमारे लिए डिस्कस कर, ठीक है? तो भी टाइम बचता है, सब तो भी टाइम बचा है, आगे कुछ नहीं।